हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं तैयार हो चुकी हूँ कॉलेज जाने के लिए। मेरा बैग एकदम हो चुका है रेडी। इसको मैं टांग लेती हूँ। और धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो इसलिए मैंने स्कार्फ भी ले लिया है सर पर ढकने के लिए ऐसे, और मास्क तो लगा ही लिया है। चलो अब चलते हैं फटाफट से। नाश्ता मेरा हो ही चुका है। बर्तन एक दो पड़े हैं किचन में, वो मैं बाद में आके धो दूंगी, क्योंकि अभी कॉलेज जाना ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फिर ठीक है, चलते हैं। कॉलेज में आ चुकी हूँ और जैसे मैं परेशान हूँ ना असाइनमेंट के चक्कर में, ऐसे ही मेरे दोनों दोस्त बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। से हाय टू माय फ्रेंड्स। हेलो। घर से तो काम पूरा होता नहीं है बच्चों से, और कॉलेज में आके फाइल सेट करते हैं। बताओ कोई बात है यार। ये लोग सर से साइन करा रहे हैं फॉर्म पे। मैं तो फॉर्म पे साइन करा चुकी हूँ और अपना असाइनमेंट भी जमा कर चुकी हूँ। ये लोग अपना असाइनमेंट जमा कर रहे हैं और फॉर्म पे साइन करा रहे हैं 6th सेमेस्टर का। फिर उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे, उसे रजिस्ट्रार में जमा करके आ जाएंगे ताकि हमें 6th सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाए फिर से। सो फाइनली अभी मैं अपने क्लास में जा रही हूँ, मेरी प्यारी सी क्लास, और मैं इसमें आ चुकी हूँ। अरे यार सर ने देख लिया ना तो डांट पड़ जाएगी। बहुत चुपचाप होकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ये हमारे नए टीचर हैं और ये हमें पढ़ा रहे हैं जिंगल रेडियो सब्जेक्ट जो है। और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ क्लास में, और अभी मैं कुछ बहाना करके जाने वाली हूँ जैसे कि समझा रहे हैं। यार बोर हो गए मैं तो आज क्लास में बहुत ज़्यादा। चुपचाप इनकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ और उसके बाद निकल जाती हूँ। बहुत देर हो गई है यार इन्हें पकाते पकाते। वैसे भी नए फैकल्टी से अब हम लोग इतना रिलेट नहीं कर पाते जितना पुराने फैकल्टी से रिलेट कर पाते हैं। और हमारे ऑलमोस्ट सभी पुराने फैकल्टी छोड़ के जा चुके हैं कॉलेज। जो पहले पढ़ाते थे वो सब छोड़ के जा चुके हैं, और उनके साथ ही हमें मज़ा आता था पढ़ने में, हम रिलेट कर पाते थे। अब नए फैकल्टी से इतना बॉन्ड नहीं है क्योंकि सभी बच्चे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, इसीलिए तो मज़ा नहीं आता नए फैकल्टी के साथ, क्योंकि उनके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया जितना हमने पुराने फैकल्टी के साथ टाइम स्पेंड किया है। हेलो, समझ रहे मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है 6th सेमेस्टर का। क्लास भी मैंने अटेंड कर ली है थोड़ी बहुत। अब मैं जा रही हूँ उधर की तरफ। कॉलेज में इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कराने के बाद मुझे नहीं लगता मुझे रुकना चाहिए। सभी लोगों का प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है। मेरा मन कर रहा है यार अब जाने का। इतनी इतनी धूप हो रही है, कसम से बहुत ज़्यादा धूप हो रही है यार। निकल के सीधा अल्फा टू आ चुकी हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए, उसे सरप्राइज़ देने के लिए, फिर से शॉक करने के लिए। कॉलेज में तो यार दिमाग ख़राब ही हो गया, और ऊपर से इतनी धूप निकल रही है ना उसमें अलग दिमाग ख़राब हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। इतनी गर्मी है ना, सब ढक रखा है मैंने पूरा। यार मार्च में ऐसी धूप है ना एकदम जलाने वाली धूप, इतनी जला रही है, बहुत ज़्यादा चुभन हो रही है। मैंने फुल कपड़े पहने के तब भी मुझे जल रहे हैं यार, दिमाग ख़राब हो रहा। अभी से इतनी धूप है तो क्या होगा आगे। अबे यहाँ क्या हो रहा है, सजा पड़ा है पीछे से, पता नहीं कुछ हुआ होगा शायद। तो फाइनली मैं अपने दोस्तों के पास आ चुकी हूँ, और देखो मुझे रोहन ने क्या गिफ्ट दिया है। ये हिमाचल से घूमने गया था जब लेकर आया था ड्रीम कैचर। देखो अब देखते हैं, इससे ड्रीम मांगती हूँ, देखती हूँ कितने कैच करता है मेरी ड्रीम, और नहीं कैच हुई ना फिर ये पिटेगा देखना। तो अब हमारे कार्टून देखने की बारी आ चुकी है, और अब हम कार्टून देख के अपने बचपन को याद कर रहे हैं। हमें बहुत मज़ा आ रहा है, और निंजा तोड़ी तो वन ऑफ माय फेवरेट कार्टून है। वो देखो वो नीचे लेटा हुआ रोहन बकवास कर रहा है, और मैं और सूरज बैठ के उसके ही फ़ोन में, सूरज के फ़ोन में ये कार्टून देख रहे हैं, और हमें आ रहा है बहुत ज़्यादा मज़ा। बावजूद अंदर भी घुसे और चोरी भी नहीं की, हथौड़ी सच में बहुत आ जाएगा।
फटू से विदा लेने का टाइम आ चुका है और अब अपने फ्रेंड्स को छोड़ छाड़ के मैं अपने उधर जा रही हूँ बोटैनिकल अपने रूम पे वापस। चलो तो फिर चलते हैं। सच में यार अल्फाटू कितनी बढ़िया जगह है ना यार, दिखाऊं आसपास का एरिया। सो फाइनली बैक टू रूम, बट मेरे पास कॉल आ गया मेरे दोस्तों का, उन्होंने मेरे लिए खाना बना के रखा हुआ है। सो मैं वहीं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। वैसे मैं कुछ बनाने वाली थी लेकिन अभी मेरा प्लान कैंसिल हो गया है, मैं बाद में बनाऊंगी और मैं जल्दी में हूँ बहुत ज़्यादा। तो चलो चलते हैं। ये है कंदूर की सब्जी और इसके साथ मैं रोटी खा रही हूँ और रोटी खाते खाते ही वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए ऐसी ही बनेगी वीडियो। और अभी इसके घर आ गई थी साक्षी के, फ़ोन आया था जब मैं अपने घर आई थी तो इसने बोला आ जा, तो फिर मैंने कहा चलो जी आ जाते हैं। कंदरू की सब्जी बनाई थी आज इसने, तो इसलिए मैं खाने के लिए आ गई। और ये मोमोज हैं और कोल्ड ड्रिंक है और हम ये सब खा रहे हैं और एक दूसरे की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। और दीप की बेइज्जती करने में तो हम सबको बहुत ही ज़्यादा मज़े आते हैं। दिखाओ वीडियो दिखाओ। बेचारे चेहरा उतर गया है। दीप का ब्रेकअप हो चुका है इसलिए वो बहुत सैड है। थोड़ा सा रोल है साक्षी, जा रही है तो सीरियस हो गया। यार सच में सैड हो गया यार, साक्षी भी वेट कर दे। हंस ले यार, खुल के हंस ले, दवा क्यों आए दांतों के नीचे अपनी हंसी। हंस ले। अरे चुपचाप हंस ले, कोई नहीं देख रहा। सो फाइनली अपने रूम पे आ चुकी हूँ साक्षी के रूम से इतनी सारी मस्ती करने के बाद, दीप को चिढ़ाने के बाद। और साक्षी ने आज पता है कंदरू की सब्जी बनाई थी, मैंने अपनी लाइफ में वो सब्जी पहली बार खाई और वो बहुत यम्मी बहुत टेस्टी थी। फिर उसके बाद मोमो देन कोल्ड ड्रिंक यही सब, और मज़ा आ गया खा पी के, एकदम मज़ेदार था सब कुछ। ठीक है फिर दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। हालांकि मम्मी मुझसे बोल रही थी कि मेरे ब्लॉग आजकल पसंद नहीं आ रहे हैं उन्हें, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ब्लॉग अच्छे बनने या नहीं। क्या कर सकती हूँ यार, अब जैसे भी बनने जितना जितना टाइम मिल रहा है उतना बनाने की कोशिश करती ही हूँ। बाकी ठीक है फिर दोस्तों, बाय। आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहा वैसे, कॉलेज का और सब कुछ मिला के दिन अच्छा था। ठीक है, बाय, गुड नाइट।